नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शनिवार को कहा है कि तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के पिता के निधन के बाद शोक में डूबे परिवार के साथ होने के लिए उन्हें भारत लौटने का विकल्प दिया गया था, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय कर्तव्य के कारण ऑस्ट्रेलिया में रुके रहने का फैसला किया। सिराज के पिता मोहम्मद गौस 53 साल के थे और फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे थे। बीसीसीआई ने जारी विज्ञप्ति में कहा, सिराज के साथ चर्चा करने के बाद और इस दुख की घड़ी में उन्हें अपने परिवार के साथ होने के लिए भारत आने का विकल्प दिया गया है। उन्होंने कहा, इस तेज गेंदबाज ने भारतीय दल के साथ बने रहने और अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों को निभाने का फैसला किया। बीसीसीआई उनके दुख को समझता है और इस बेहद चुनौतीपूर्ण समय में सिराज का समर्थन करेगा। बोर्ड अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने भी मोहम्मद सिराज की मजबूत मानसिकता को काफी सराहना की है। गांगुली ने ट्वीट करते हुए कहा, मोहम्मद सिराज को इस परिस्थिति का सामना करने के लिए मजबूती मिले, मैं इस दौरे में उनकी सफलता के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूँ। जबरदस्त जी उठता। आपको बता दें, क्रिकेटर के रूप में मोहम्मद सिराज के पिता की उनके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका रही है, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने बेटे की हर महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया था। आपको बता दें, मोहम्मद सिराज ने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया था तब उनके पिता ऑटो चलाते थे। सिराज रणजी ट्रॉफी में हैदराबाद के लिए 41 विकेट चटकाकर सुर्खियों में आए थे। इसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग की टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने इस अनकैप्ड खिलाड़ी को 2.6 करोड़ रुपए की बोली लगाकर टीम में शामिल किया था। वो फिलहाल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के सदस्य हैं। सिराज ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय दल के टेस्ट टीम के सदस्य हैं। भारतीय टीम 13 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद अभी भी 14 दिन के क्वारंटाइन से गुजर रही है। सिराज अगर भारत आते हैं तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया वापस पहुंचने पर फिर से 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा करना होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।